हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दाकिन इंडिया में। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि एसएससी के अंदर भर्ती निकली है उसके बारे में। उससे पहले बता देता हूं, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये है एसएससी जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली हुई है उसके बारे में नोटिफिकेशन। तो इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके अंदर वैकेंसी निकली है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, और इसके जो एप्लीकेशन फार्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो यह है 2019 की भर्ती, अभी फरवरी के अंदर इसका जो है फार्म भरे जाना स्टार्ट होना है। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन जो न्यूज़पेपर में आया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, इसकी वैकेंसी के बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसएससी के अंदर उन्होंने कैलेंडर जारी किया है 2019 में जो एग्ज़ाम होने हैं, जो एप्लीकेशन फार्म भरे जाने हैं, तो उसके इससे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 2019 का कैलेंडर, जिसमें यहाँ पे दिया है 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के बीच के जो एग्ज़ाम होने हैं उसका टाइम, और कब एडवर्टाइजमेंट आएगी, कब उसकी लास्ट डेट होगी उसके बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कम्बाइन बारे में, कम्बाइन हाई सेकेंडरी एग्ज़ाम प्लस टू पास। तो दोस्तों, प्लस टू लेवल पर जो CHSL क्लर्क की भर्ती आती है उसके बारे में एसएससी ने नोटिफिकेशन डाला है कि वो कब आएगी। तो हमारे यहाँ 11 नंबर कॉलम पे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्लस टू लेवल का एग्ज़ाम होता है एसएससी का, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मार्च में आएगी, 5 मार्च को इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, और इसका जो फार्म भरने का अंतिम समय होगा वो होगा 5 अप्रैल 2019, यानी 5 अप्रैल 2019 से ले पहले और 5/3/2019 के बाद जो है प्लस टू बेस क्लर्क की भर्ती एसएससी की होगी उसका ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। वैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जैसे ही भर्ती आएगी हम वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम है वो होगा 7वें महीने में, यहाँ पे दिया हुआ है 1/7/2019 से लेके 26/7/2019 के बीच में जो प्लस टू लेवल क्लर्क की भर्ती होती है एसएससी की, उसका जो है फार्म भर एग्ज़ाम होगा, और इसका जो एप्लीकेशन फार्म है वो मार्च अप्रैल में भरा जाएगा। उसके बाद में 10वीं पास की भर्ती, 10वीं पास में जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है फार्म, उसके बारे में बता देता हूँ कि उसका फार्म है वो भरा जाएगा 22/4/2019 को। जैसे मान लो क्लर्क का प्लस टू का फार्म भरा जाएगा उसके बाद में इसका स्टार्ट होगा 15-20 दिनों के बाद। तो जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एमटीएस की भर्ती बोलते हैं इसको, 10वीं पास एग्ज़ाम होता है एसएससी में, तो इसका एप्लीकेशन फार्म है वो अप्रैल और मई में भर सकते हैं आप ऑनलाइन। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ये वैकेंसी ऑनलाइन स्टार्ट होगी हम वीडियो अपलोड करेंगे और आपको पता चल जाएगा। और इसका एग्ज़ाम होगा 8वें और 9वें महीने तक चलेगा इसका एग्ज़ाम, 10वीं पास होगा। ये दो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है एसएससी के, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इसको। इसके बाद सीजीएल का इन्होंने टाइम नहीं दिया है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। अभी हम बात करते हैं हमारी जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो दोस्तों, अभी चल रहा है एसएससी के अंदर जूनियर इंजीनियर के ऑनलाइन फार्म, इन फार्मों को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर किस किस कैटेगरी के फार्म अप्लाई कर सकते हैं इस जूनियर इंजीनियर में, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड अदर। तो इसका जो एग्ज़ाम होना है 2019 में, इसका जो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी एसएससी की वेबसाइट है उस पर दे रखी है। उन्होंने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं डाला है, न्यूज़पेपर में ही न्यूज़ दी है। जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फार्म है वो आज स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन इसके, यहाँ पे दिया है जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन फार्म 2019। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर। इनका जो एग्ज़ाम है वो होगा, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी के लिए वो इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट डेट मैं बता देता हूँ आपको कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1
फरवरी 2019, यानी 1 फरवरी को ऑनलाइन स्टार्ट है जो हो जाएंगे, और जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन की हुआ है 25/2/2019, यानी 25 दिनों तक आप इसका जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फरवरी महीने के अंदर शाम को 5 बजे के बाद, उसके बाद जो लिंक है वो हटा दिया जाएगा। तो यह है वैकेंसी की डिटेल कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म है वो आप भर सकते हैं 1 फरवरी 2019 के बाद, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप ssc.nic.in वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन दिया है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा।